हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडिया जर्नेशन सेगमेंट बहुत ही बढ़िया खास होने वाला है। आज का थॉट्स ऑफ द डे, नकारात्मक ऊर्जा की दवाई प्रकृति। बिल्कुल सही सुना, प्रकृति जो है, जो हमारा नेचर है, वो हमें सिर्फ सिर्फ देने का काम करता है, कभी भी वो लेने का काम नहीं करता है। अगर हम नेचर को अपना दोस्त मान लें, अपना फ्रेंड मान लें, तो नेचर हमें हमेशा एक सीख देता है, एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। अब ये चमत्कार देखिए होता कैसे है, इसके अपने कुछ फार्मूले हैं, कुछ अपने टेक्निक्स हैं, जिसके प्रयोग से आप बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर भर सकते हैं। किसी कारण बस हम सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटल इलनेस के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कभी कभी कि हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को बहुत ही अकेला फील करते हैं। उस कंडीशन में आपको, आप समझ लीजिए, अगर आप नेचर के पास जाते हैं, नेचर से आपको प्रेम है, नेचर से आपको मोह है, तो समझ लीजिए कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं सब एकदम छूमंतर हो जाएंगी। चमत्कार आपको लगेगा, जैसे कोई आपके ऊपर चमत्कार हो गया है। तो आपको मैं यहाँ पर अपनी रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आपके सामने जो यहाँ पर बिंदु दिख रही है, ऐसी बिंदु थी नहीं अभी कुछ दिनों पहले। एक्चुअली मेरी मदर कैंसर पेशेंट और 2 और 3 इयर्स के बाद उनका काफ़ी ट्रीटमेंट चला और उसके बाद वो हमारे बीच में नहीं रही। इतना निगेटिव प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और उसी बीच में जो मेरे बहुत अपने खास, जिसको कहा जा सकता है, मैं उस टाइम हॉस्टल में थी, ये समझ लीजिए जैसे जैसे उनकी प्रॉब्लम बढ़ती गई वैसे वैसे मेरे अंदर निगेटिव थिंकिंग पनपने लगी। और मैंने अपने आप को, ये समझ लीजिए कि बिल्कुल अकेला कर लिया, एक रूम में कैद कर लिया, समझ लीजिए। मुझे कोई भी नहीं अच्छा लगता था, मैं किसी से भी बात नहीं करती थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इवन मैं जो कि टीचर्स के पास जाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे बात करना, उनके पास टाइम अपना देना, और सब कुछ मैं करती थी बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन वो ऐसा टाइम था, कुछ ऐसी चीजें हुई मेरे साथ इसके अलावा भी हॉस्टल में, जो कि मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर पाऊंगी आप लोगों के बीच में। उसकी वजह से मैं इतना निगेटिव थिंकिंग मेरे अंदर भर गई कि उससे निकलना ही मुश्किल हो गया। अब मेरा माइंड ही काम करना बंद हो गया। और ये समझ लीजिए कि बिल्कुल निगेटिव, यहां तक कि मैंने सोचा कि अब मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मैं ना रहूं इस दुनिया में, वही मेरे लिए सही रहेगा। जो मेरे बहुत खास, मेरे अपने सब, मुझे जो मेरे पास आते थे अच्छे अच्छे सीख लेने के लिए, वो लोग भी मेरे से दूर, क्योंकि जब आप किसी को कुछ बेहतर दे सकेंगे तभी आपके पास सब लोग आएंगे। अगर आप इस स्थिति में नहीं होंगे कि आप सबके लिए कुछ कर सके, तो आपसे सब दूरी बना लेंगे, वो आपके कितने भी खास हो, कहीं पर भी आप ले लीजिए, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका बाहर हो,
चाहे जो भी, बल्कि एक अजनबी जो आपको नहीं जानता होगा वो आपका साथ दे देगा, क्योंकि वहां पर आपका उसका कोई स्वार्थ नहीं है। आप उसके काम में आए, तुरंत वो आपके काम में आया, ना आप उसे जानते हैं ना वो आपको जानता है, तो ये हो सकता है। लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा अपना मानता है ना, वो ये समझ लीजिए आपके साथ ऐसा काम कर जाएगा तो आप ना तो किसी से कुछ कह पाएंगे, ना कुछ सुन पाएंगे, ना तो आप कोई निर्णय ही लेने में सक्षम होंगे उस टाइम। तो ये सारी भी स्थितियां आ सकती हैं आपके साथ, जहां पर आपको ये लगेगा एक घना अंधेरा आपके सामने है, एकदम एक कुहासा है आपके सामने। तो इस कंडीशन में मैं यही कहूंगी कि आप लोग नेचर से प्यार करिए, नेचर को टाइम दीजिए, नेचर के पास बैठिए। आप नेचर के पास बैठेंगे, समझ लीजिए आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप जीव जंतुओं के बीच में रहिए, यानी यहाँ पर अभिप्राय यह है कि अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में बैठते हैं, ऐसे वातावरण में बैठते हैं जैसे कोई पार्क हो, जहाँ आसपास में हरी भरी हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, वहां पर जो देखिए पशु पक्षियों की आवाज आती है, आपकी मन को इतना शांति, इतना पीसफुल बनाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आप अपना यानी पेन कॉपी लेकर बैठिए, जो आपकी निगेटिव थिंकिंग है आप उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद उसको आप एक दो बार रीड करिए, और देन आप ये समझ लीजिए कि वहां पर बोलिए कि मुझे आपसे प्रेम है और आप मेरे सबसे सच्चे दोस्त हैं, आज जितने भी नकारात्मक सोच है मेरी सब मैं इसको यहाँ पर फाड़कर फेंक दे रहा हूँ। आज के बाद से मेरे अंदर ये थिंकिंग कभी भी नहीं आएगी। और उसके बाद आप लोग योग करिए वहां पर जाकर, क्योंकि वहां का जो आपको बहुत ही ज्यादा फ्रेशनेस फील होगा, और वहां की जो हवा होगा, जो पानी होगा, वो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो वहां पर आप योग कर सकते हैं। योग सारे बीमारियों का इलाज है, समझ लीजिए, चाहे वो आप कुंठित हैं, चाहे वो निगेटिव थिंकिंग आपके अंदर पनपने लगी है, जो भी है उन सब का इलाज समझ लीजिए नेचर और योग है। और जिस भी ईश्वर पे आप बिलीव करते हैं, बस उनका ध्यान कीजिए, देखिए इतना बड़ा चमत्कार होगा, आपको लगेगा नहीं कि मैं वही इंसान था कि जो कुछ दिन पहले मैं डिप्रेशन में बैठा था, मैं अकेला फील कर रहा था। आप सोचिए आपके अंदर जो पहले जैसी एनर्जी थी, बढ़िया एकदम पॉजिटिव सोच के साथ आप सोसाइटी के सामने आएंगे, लोग भी देखकर आपको चकित हो जाएंगे कि देखिए क्या सुधार आया है इसके अंदर। और आप इतना आगे बढ़ने लगेंगे, इतना आगे बढ़ने लगेंगे कि सब आपके पीछे अपने आप आते जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। ये उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो लोग इंटरनेट की सेवा से वंचित हैं। वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।